गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी लोहिया इनक्लेव फेज वन में आवंटियों से अतिरिक्त धन की मांग एवं विभिन्न अनियमितताओं को लेकर आवंटियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मंडलायुक्त जयंत नारिकल से मुलाकात करके उन्हें एक मांगों से अवगत कराते हुए मकान का कब्जा देने की मांग की। ज्ञापन देने आए आवंटियों का कहना था कि जीडीए अपने विवरण के आधार पर कोई भी काम नहीं कराई है और हम लोगों से अतिरिक्त धन राशि की मांग कर रही है। उन्होंने मंडलायुक्त से अपने आवास के जल्द से जल्द आवंटन किए जाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आवंटी राजन सिंह व अर्चना राय ने कहा, रोका हुआ होगा देखिए, उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये ब्रोशर में लिखा है, तो एक बार आप लोगों ने और कंप्लेंट मुझे दी थी, मैंने उनको बुलाया था, उन बोला सर ये लोग जब कब्जा लेंगे तो मैं इनको ये सब करा के कुछ नहीं करेंगे, इतना विश्वास करेंगे तो कैसे। यदि हम एनजीटी के सामने कमिटमेंट करेंगे कि हम पोस्ट फैक्टो कई प्रोजेक्ट में पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस लिया जाता है, तो सर चार महीने हो गए दिसंबर के बाद से, चार महीने में अभी तक क्या हुआ सर, वही हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। उन्होंने कुछ कार्रवाई की होगी, मैं उनसे कार्रवाई नहीं हो रहा है हिसाब से, जीने का हमें गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मैं भी वहाँ पर बैठूँगा जब आपका वोट की बैठक होगी तो मैं भी उसमें बैठ के ये हम लोग डिसीजन लेंगे। फिर जो ब्याज और ये पैसे वाला इंटरव्यू वाला था, ये हम लोगों ने जब डिस्कस किया आपसे, जब संज्ञान में चीज़ें आई हैं, तो अब आपकी जो ये समस्या है इसलिए मैंने फिर से आपसे कहा कि एक पन्ने का मुझे लिख के दीजिए कि आपकी क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं आपकी बताइए, हम उनको करा देंगे। उन्होंने मुझे दिखाया है कि आपके साथ एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने दिया है कि मेन गेट पर ये करा देंगे, टायर्स का ये करा देंगे, कुछ कुछ चीजें हुई हैं। जून के फर्स्ट वीक में बोर्ड की बैठक बुला करके कम करा दी होते तभी हम लोगों को संतोष हो गया होगा, उनकी बारे पर हम लोग कोई विश्वास नहीं है। आपको कह रहा हूँ राजन सिंह, हाँ अभी कमिश्नर साहब से मैं हम लोग मिले हैं, पूरे समूह में मिले हैं, आश्वासन केवल दिया जा रहा है, सारी चीज़ें उनके ऑफिस में रखी है, ब्रोशर में क्या है क्या नहीं है उनको सब पता है, इसके बावजूद भी वो लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। एनजीटी का हवाला देते हुए हम लोगों को परेशान किया जा रहा है केवल, और हम लोग बहुत परेशान हैं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे लगता है। रणनीति होगी हम हर बार की लड़ाई लड़ेंगे, सपनों का घर था, हर आदमी अपने घर बसाना चाहता, हम लोग बेघर हो रहे हैं अपना पैसा लगा के, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अर्चना राय के खिलाफ बोल रहे हैं, एनजीटी अगर हमको मकान जीडीए दे दिया होता तो हम जे एनजीटी हमारे ऊपर कार्रवाई करती तो हमारा मकान कहाँ मिलता, फिर गिरा दिया जाता है। अगर 2017 में हमको हैंडओवर करने के लिए जीडीए बोल के रखा था, अगर हमको वो हैंडओवर कर दिया होता और मकान एनजीटी के अंदर में आ जाता तो फिर जीडीए हम लोगों को कहाँ रखती। कमिश्नर साहब तो कहे हैं कि हम वादा कर रहे हैं आप लोगों का, जरूर जल्द से जल्द हम मकान दिलवाएंगे और रेरा में भी जाएंगे, वो सारा काम हम करवा दे रहे हैं आप लोगों का, यही तो बोल रहे हैं। सांत्वना तो दे रहे हैं और सांत्वना हम लोगों को 2017 से मिल रहा है, अभी तक उसका कुछ हला भला नहीं किए ये लोग, क्या बताया जाए।